अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पर अच्छा हो गया धीरज तो मिल गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया भैया? वो चार दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था ना ऑर्डर के बारे में, जिन्हें बल्क में सप्लाई चाहिए। ओह हाँ हाँ, हुआ क्या भैया? उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्या? नहीं नहीं, ऑर्डर तो नहीं कैंसिल किया, लेकिन कल वो हमारे डिजाइनर से मिलना चाहते। तो प्रॉब्लम क्या है भैया? अभी फोन कर देता हूँ। किसे फोन कर रहे हो भैया? डिजाइनर को और किसको? लेकिन अपने पास डिजाइनर है कहाँ? है ना भैया, आंचल जी। लो जैसी बातें मत करो। समय देखा है 11 बजे है धीरज। लेकिन भैया वो अभी सोई कहाँ होंगी? जो भी हो धीरज, हमें उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। एक तो वो ट्यूशंस की फीस भी ढंग से नहीं लेती है, और हम हैं जो एक के ऊपर एक उन्हें परेशानी बताते जा रहे हैं। और नहीं धीरज, बस। भैया वैसे मुझे लगता है आंचल जी को हमारी मदद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, लेकिन भैया हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब इतने कम समय में डिजाइनर ढूंढेंगे कहां से? जो भी हो कल सोचेंगे इसके बारे में। सोच लीजिए भैया, अगर क्लाइंट की मीटिंग नहीं करवाई डिजाइनर से तो इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता है। तुम चिंता मत करो, कल देखेंगे क्या होता है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट भैया। रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो जी, मुझे अभी यहाँ से एक मिस्ड कॉल आया था। मैं आंचल बोल रही हूँ। क्या यहाँ से आपको मिस्ड कॉल आई थी? जी हाँ। ओ, तो हो सकता है किसी बच्चे ने गलती से नंबर डायल कर दिया। और ये जरूर सचिन होगा। चलिए अगर आप उससे बात करेंगी तो उसे कह दीजिएगा कि मैं उससे कल बात करूंगी। जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि किसने फोन किया होगा। तो सिद्धार्थ भैया आंचल को इतना मिस करने लगे हैं कि आधी आधी रात को उसके फोन की घंटियां बजाते हैं। कौन? चंचल, धीरज जाग रहा है क्या? नहीं, वो सो गए। नहीं रहने दो,
उसे सोने दो। अरे किसे फोन कर रहे भैया? अपने डिजाइनर को। अरे लेकिन अपने पास डिजाइनर कहाँ है? है ना भैया, आंचल दी। लेकिन भैया हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, अब इतने कम समय में डिजाइनर ढूंढेंगे कहाँ से? सोच लीजिए भैया, अगर क्लाइंट की मीटिंग नहीं करवाई डिजाइनर से तो इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता है। सचिन को भी चैन नहीं, कभी भी फोन करता है। बदमाश, नींद नहीं आती तुम्हें? अगर तुम रात रात भर मुझे ऐसे तंग करोगे तो मैं सुबह टाइम पर कैसे आऊंगी तुम्हें पढ़ाने? सचिन, अब तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आचल जी, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ जी, I'm so sorry. I mean, मुझे पता ही नहीं था। Actually, मुझे लगा सचिन होगा और माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आचल जी। इतने रात को फोन करके आपको डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं, अभी इतनी रात कहाँ हुई है, और मैं जाग ही रही थी। एक्चुअली मैंने एक खास कारण से आपको फोन किया था। कहिए ना। कल मेरी इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है और उसमें डिजाइनर का साथ जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, और आप तो जानती हैं कि हमारे पास अभी भी कोई डिज़ाइनर नहीं है। अगर डिज़ाइनर के साथ मीटिंग ना अटेंड की तो इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा कंपनी का, और ये ऑर्डर भी हाथ से निकल जाएगा। आप बताइए ना, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर मीटिंग में चल पड़े तो एक एहसान और हो जाएगा आपका। अरे सिद्धार्थ जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप बताइए ना कब और कहाँ आना है मुझे। पक्का? यानी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। आप बस बताइए कहाँ है। कल सुबह 10:30 आप होटल ब्लू डायमंड आ सकेंगे? जी। तो मैं आपको वहीं मिलूंगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।